प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे थे तो उसको देखते हुए हमारे सीएम ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल से स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया है। तो 15 जनवरी से अब 31 जनवरी तक सभी स्कूल पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक बंद रहेंगे और अब जो है क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। यहाँ तक कि जो प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे थे, जो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट तैयारी कर रही थी 20 जनवरी से लेने का, तो उसको भी अब घर से लेने का बोल दिया है। ओपन बुक से या ऑनलाइन माध्यम से अब स्कूल लेंगे। तो कुल मिलाकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो वार्षिक परीक्षा उनका क्या होगा। तो वार्षिक परीक्षाएं भी यदि स्टूडेंट 31 जनवरी को समीक्षा की जाएगी या बीच में भी समीक्षा की जा सकती है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो यदि केस इसी तरह बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं बढ़ाई जाएं, क्योंकि अब 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे तो संभावना ज्यादा बन गई है बढ़ाने की। पर फिलहाल अभी इस टाइप का कोई ऐलान नहीं किया गया है, जो भी कंडीशन है वो 31 जनवरी को देखकर ही डिसाइड किया जाएगा वार्षिक परीक्षाओं को लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं की। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बात की, आप खुद सुन लीजिए उसको। वर्तमान जो परिस्थितियां उनको देखते हुए, एक तो हम आज कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था। तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो, लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर